लखनऊमा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में हम लोगों ने इधर पे एक फ्लैग मार्च करवाया टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। आने वाले इलेक्शंस में सभी लोग खुल के वोटिंग करें, किसी डर के बिना, किसी तरह के रोक के बिना। इसके लिए हमारे साथ अपनी लोकल पुलिस के साथ हमारे पास CRPF के भी लोग हैं, जो कि स्पेशली ये जो हमारे जनरल इलेक्शन होने वाले हैं उसके लिए ये लोग UP से इधर आए। तो पहले तो मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगी कि इतनी दूर से आके हमारे लोकल एरिया में आके ये लोग हमारे साथ जुड़े और इस मार्च को सक्सेसफुल बनाया। और आज हमने लोकल पुलिस ने और इन लोगों ने सब ने मिल के पट्टेपल्ली, तिगलकुंटा, बॉयज़ टाउन हॉस्टल से अभी मोची कॉलोनी तक ये मार्च किया। और आने वाले समय में भी इस तरीके के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर ऑपरेशंस करते रहेंगे हम लोग, ताकि लोगों को ये भरोसा हो जाए कि पुलिस उनके साथ है और किसी भी तरीके के संकोच के बिना, रोक टोक के बिना, किसी तरीके की परेशानी के बिना वो आगे आए और वोट करें। थैंक यू मैडम। इस फ्लैग मार्च में कितने पुलिस ऑफिसर हिस्सा लिए? हमारे टोटल 100 है, इसमें हमारे साथ 70 लोग CRPF के लोग हैं। RPSF रेलवे प्रोटेक्शन, रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स, स्पेशल फोर्स, ये लोग रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स है। रेलवे रिक्रूट किया सर, RPF फोन ना, RPF का यूनिट है, RPF का स्पेशल यूनिट है आपका। तो ये रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स से हैं जो यूपी से हैं। यूपी में कहाँ डिप्लॉयड हो मैम? अभी करंट में हम कृष्णापल्ली में डिप्लॉयड हैं। कृष्णापल्ली कौन से जिले में है? तिरुचि, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में ये लोग डिप्लॉयड हैं, अभी इनका डिप्लॉयमेंट वहाँ है। वहाँ से स्पेशली हम लोगों के लिए, हम लोगों में कॉन्फिडेंस लाने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। पूरा मार्च किया है, 4-5 किलोमीटर तो हुआ होगा और इनकी फिटनेस भी अच्छी है, इन लोगों ने बढ़िया से मार्च किया आज। और इसी तरीके से आगे आने वाले टाइम में 13 तारीख तक हम लोग इस तरीके के अनेक कार्यक्रम करते रहेंगे, ताकि यहाँ के लोगों में कॉन्फिडेंस बना रहे और आगे आके वो फ्री एंड फेयर वोटिंग करें। 1 तारीख को हम सभी की यही गुजारिश है पुलिस वालों की कि आप लोग ज़रूर अपने नियरेस्ट पोलिंग स्टेशन में जाके वोट करें, अपनी सरकार को चुनें, क्योंकि ये हमारा सबसे बड़ा हक है, अधिकार है और ड्यूटी भी है कि आने वाली सरकार हमारे भले के लिए काम करे। और हमारा एक एक वोट बहुत ज़रूरी है, तो सब लोग ज़रूर 13 तारीख को आगे आके वोट करें। धन्यवाद। जी चालू है भाई, उत्तराखंड चलो भारत एक है, हम सब भारत वासी हैं। तो उतनी दूर की, पहले तो आप अलग अलग जगह से फटे होके एक फोटो में आप दिल्ली में काम करते हैं, अभी आप हैदराबाद आए। आप सभी के दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सब लोग यूनिफॉर्म जो है सब लोग एक ही हैं, ठीक है? तो आप यहाँ से जाने के बाद भी हम लोग आपके साथ रहेंगे, कोई भी आपको कभी भी जरूरत हो। तो अभी तो आप हमारी जरूरत पूरी कर रहे हैं, बाद में हम आपको पूछ सकते हैं। देखो चलो चलो चलो